अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम टूटी के। तो आज मैं बायो एनर्जेटिक में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बाद फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंस पढ़ने के बाद एक नए टॉपिक की तरफ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो बेसिक कंसेप्ट है रेस्पिरेशन के टाइप। आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक कंपाउंड है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के अंदर इस मुरक्कब ने इस कंपाउंड ने ले लिए तो फिर हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये रिडक्शन हो गया है। अगर और मिसाल के तौर पर यही दो इलेक्ट्रॉन जब इस कंपाउंड से रिलीज हो जाए यानी लॉस हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना। आप अगर रेस्पिरेशन की बेसिक मैकेनिज्म पे सोचें तो कभी वो उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं और कभी बाहर आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो फिर क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ब्रेकडाउन हो जाती है। अब देखो, पहले फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन हुई थी यानी गेन हुआ था, अब ऑक्सीडेशन में रेस्पिरेशन में फिर जब रेस्पिरेशन प्रोसेस उसी कंपाउंड के अंदर हो रहा था तो वो क्या हो गया, वो अलग अलग हो गए, वो बांड जो है ब्रेक हो जाता है। आपको पता है कि जब बांड ब्रेकडाउन जब बांड टूटता है तो फिर जिस जिन इलेक्ट्रॉनों के जरिए वो बांड बना है, बांड तो इलेक्ट्रॉनों से के शराकत से या ट्रांसफर से या कोऑर्डिनेशन से बनता है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अलहदा होने की वजह से लॉस हो जाते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। तो बहरहाल रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो कि स्टेप वाइज और ये होता है। ये सारा ऑक्सीडेशन और ये सारा गेम अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो सारा गेम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रहा है। एंजाइम की मौजूदगी में सबसे ज्यादा एंजाइम पूरी बायोलॉजी में आप जहां भी जाएंगे आपको रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ज्यादा एंजाइम नजर आएंगे। इसी वजह से रेस्पिरेशन का जो बुनियादी सेंटर है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसको हम माइटोकांड्रिया कहते हैं। माइटोकांड्रिया के अंदर रिसर्च के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक, रिसेंट स्टडी के मुताबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम सबसे ज्यादा मिकदार सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद है। और वो उसका वजह यही है कि चूंकि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मेजॉरिटी वो माइटोकांड्रिया में होता है। इसी तरह साइटोप्लाज्म में भी एंजाइम मौजूद है, वहां पर भी रेस्पिरेशन होता है। तो बहरहाल आपको रेस्पिरेशन के प्रोसेस की समझ आया ही होगा कि इट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस थ्रू विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू रिलीज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर हो गया तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, अगर सेल से बाहर हो गया तो ये एन एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन है। आपके कोर्स में सेलुलर रेस्पिरेशन पे बहस हो चुकी है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब उस पर हम डिस्कशन करेंगे तो वो सामने आएगा आपके सामने पूरी कंसेप्ट। तो रिडक्शन की तो आपको समझ, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड ने गेन कर लिया, ये रिडक्शन हो गया, और ये कंपाउंड क्या हो गया, रिड्यूस। ज़ाहिरी इलामत में ये बढ़ गया लेकिन ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसलिए इसको हम रिड्यूस कहते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रॉन इनसे लॉस हो गए, निकल गए, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया। ज़ाहिरी तौर पर इसके नुकसान हो गया लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके किसी दूसरे अपने इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो गए, अपने इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं जाते, या वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसका वैलेंस शेल मुकम्मल ना हो तो फिर वो अपने नहीं होते, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए वो बाहर निकलते हैं। अब ये केमिस्ट्री के टॉपिक में फिर हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं, आपको मैं बताता जाऊं कि हर सेल, हर बॉडी पार्ट, हर बॉडी को, प्लांट हो एनिमल हो,
तमाम ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट वायरस रेस्पिरेशन होता है, एक्सेप्ट वायरस। ये आपने याद रखना है कि वायरस के अलावा हर ऑर्गेनिज्म में, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री लाइन में है वो अलग बात है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म, वो सेल के अंदर भी चला जाए फिर भी उसके अंदर, आपको पता है कि जब सेल के बाहर होता तो वायरस भी जान, जब सेल के अंदर होता है तो वायरस जानदा, लेकिन जब लिविंग हो जाता है फिर भी रिस्पायरेशन नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन अकर एक्सेप्ट वायरस, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे समझ गए। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, एक एरोबिक रिस्पायरेशन है जो मेन रिस्पायरेशन है, और एक है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे नाम से जाहिर है एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लाजमी है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। इसके साथ मैं एक बात और भी ऐड करूं कि एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के साथ साथ माइटोकांड्रिया भी, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। एक केस में प्रोकैरियोट के केस, बैक्टीरिया के केस में एरोबिक रिस्पायरेशन भी होता है लेकिन वहां पर माइटोकांड्रिया में नहीं, मेम्ब्रेन में होता है। इसलिए हम यहां पर मैंने माइटोकांड्रिया नहीं लिखी है, अगर वो बैक्टीरिया ना होती तो मैं माइटोकांड्रिया भी लाजमी, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए दो चीजें रिक्वायर है, एक ऑक्सीजन और एक माइटोकांड्रिया। मैंने माइटोकांड्रिया इसलिए नहीं लिखा कि बैक्टीरिया के अंदर रिस्पायरेशन क्या है, मेम्ब्रेन में होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आपके ध्यान में होनी चाहिए। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एन का मतलब है विदाउट, यानी ऐसे रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती। ये रिस्पायरेशन भी इस तरह नहीं है कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, ह्यूमन बीइंग में भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। आपके बॉडी के अंदर एक सेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, आप नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे, RBC, रेड ब्लड सेल में एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कितना ज्यादा ऑक्सीजन है फिर भी एन एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। आपके जो मसल है ह्यूमन बॉडी, आप क्या, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने मसल है, 650 मसल है, ठीक है ना, 650 मसल है। इन मसल सेल में भी कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। इस तरह आपको कोई गलत कर सकता है कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन सिंपल प्रोकैरियोट में यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, हाईएस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। हम कौन है इंसान, होमो सेपियन कौन है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हम में भी एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है लेकिन उसकी केसेस, उसकी नियत जुदा है। बहरहाल एन एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है। तो जी एरोबिक रिस्पायरेशन मोस्टली, ठीक है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होता है, बैक्टीरिया में भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है ना, इसलिए कहा गया है मोस्टली। एनएरोबिक रिस्पायरेशन मोस्टली प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसमें क्या है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन आपको मैंने ये बात पहले बताई है कि ह्यूमन सेल आरबीसी में और मसल सेल में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। जी एरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकांड्रिया में होता है, ठीक है ना, आपने ये माइटोकांड्रिया आगे करना है और साइटोप्लाज्म को पीछे करना है, ठीक है ना। तो माइटोकांड्रिया और साइटोप्लाज्म में एरोबिक, और इन एरोबिक रिस्पायरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, आपको पता है कि रिस्पायरेशन में तो ब्रेक डाउन होना है, एक मॉलिक्यूल से जनरेट होता है, बनता नहीं, जनरेशन, कितने 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ये कब बनेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस में बनेगा, ये कब बनेगा, ये पाइरूविक ऑक्सीडेशन में बनेगा, ये कब बनेगा जब क्रिप्स साइकिल हो जाए, ये कब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाए, ये सारे स्टेप जब मुकम्मल हो जाए तो आपके पास 38 मॉलिक्यूल आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा। क्या आपको पता है कि ये ATP यानी ये एनर्जी रिस्पायरेशन क्यों ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसमें क्या क्यों बनते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में बॉडी एनर्जी को क्यों इस्तेमाल नहीं करता, व्हाई ATP आर फॉर्म। तो इसका जवाब सुने, आपको पता है कि सेल बहुत छोटा है, ठीक है ना, स्मॉल है। तो जी मिसाल के तौर पर इस नर्व सेल के लिए
10 एटीपी रिक्वायर है, ठीक है। अब हमारे साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां पर आ गया। आपको पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनती है, तो ये 10 एटीपी ये सेल, ये नैरो सेल अपने फंक्शन के लिए 10 एटीपी को इस्तेमाल कर लेगा, बाकी रह गए 28 एटीपी इस मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का किधर जाएंगे। अगर ये एटीपी भी जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर तो बॉडी में स्टोर होंगे, लेकिन अगर एटीपी भी ये एनर्जी मॉलिक्यूल कन्वर्ट ना होते तो फिर ये 28 मॉलिक्यूल इस सेल का वो हशर करते कि ये फायदे की बजाय इस सेल के लिए नुकसान की सबब होगा, और ये एक हार्मफुल वे है, नुकसान है सेल के लिए। तो इसलिए प्रोसेस अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस को बतौर नेमत और ये एटीपी मॉलिक्यूल बनाकर हम पर और एक और एहसान कर दिया। अगर ये एटीपी नहीं बनता तो जदीद साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि ये सेल इस 28 एटीपी की एनर्जी की जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो इस सेल पर इतना हार्मफुल असर रखेगा कि फिर कोई भी सेल बॉडी में एनर्जी नहीं चाहेगा। और जब बॉडी में सेल को एनर्जी वो जब नहीं डिमांड करेगा तो वो कौन सा काम है, मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट्स में पर लेके, कि जो बगैर एनर्जी के होता है। नैरो सेल जब काम करेगा, मैसेज ले जाएगा, तो फिर एनर्जी के थ्रू ले जाएगा, एनर्जी के बगैर नहीं ले जाता। ब्रेन सेल काम करेगा, एनर्जी के साथ करेगा। आपके आसाबी बोन सेल काम करेगा, एनर्जी के साथ करेगा। आपके मसल सेल काम करेगा, एनर्जी के साथ करेगा। किडनी सेल काम करेगा, एनर्जी के साथ एक्सक्रीशन का काम करेगा। लीवर सेल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा तो एनर्जी के साथ करेगा। अगर मैं अगर किसी सेल को 10 यानी थोड़ी एनर्जी रिक्वायर है, आप उसको बहुत ज़्यादा करें, तो आपको पता है कि कहावत मशहूर है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो फिर क्या होगी इस सेल को। ये हार्मफुल वे है, इसमें होमोस्टेटिक सिस्टम, इसमें कोऑर्डिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये रिस्क है, और ये रिस्क रिस्पायरेशन कम करता है, किस शक्ल में, जब एनर्जी एटीपी की शक्ल में बन जाती है। क्लियर जी? तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 38 एटीपी को जनरेट करते हैं, लेकिन चार स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी बनते हैं, 2, ठीक है ना, सिर्फ 2, बहुत कम एनर्जी यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ये एफिशिएंट एनर्जी नहीं है, किसी भी छोटे जानवरों के लिए ये एनर्जी काफी हो सकती है, हम जैसे एनिमल के लिए ये एनर्जी कुछ हैसियत नहीं है, ठीक है। तो जी, मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज बॉडी सिस्टम, यानी बड़े जानवरों के लिए, हाई कॉम्प्लेक्स एनिमल के लिए ये एनर्जी ठीक है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो 2 एटीपी एनर्जी, ये तो या सूटेबल है फंजाई के लिए, या ये तो सूटेबल है बैक्टीरिया के लिए, जो छोटी छोटी एनिमल है। हम जैसे कॉम्प्लेक्स, यानी ये इस प्रोसेस में जो एनर्जी 2 एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के जनरेशन से बनती है, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है, एफिशिएंट है, इन जानवरों के लिए नहीं। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनता है तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, और ये कंप्लीट ब्रेकडाउन 4 स्टेप में मुकम्मल होता है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, ठीक है ना। ग्लूकोज पाइरूविक एसिड NAD के साथ मिलकर लैक्टिक एसिड, या पाइरूविक एसिड NAD के साथ मिलकर एसिटाइल, ठीक है ना, और एसिटाइल पर इथानोल और NAD इस तरह को कोई रिएक्शन करते हैं, तो फिर लाजमी तौर पर ये कंप्लीट है। ये जब हम इनसे हटाए तो ये पाइरूवेट बनते हैं, ठीक है ना। अब ये बात याद रखें कि जब भी मिथाइल के साथ COOO इस तरह हो तो हम इसको कहते हैं एसिटाइल, क्या कहते हैं, एसिटाइल, तो ये C3। लेकिन जब हम इसके साथ H लगाते हैं तो ये पाइरूविक एसिड है, इसको भी याद रखें, एसिटाइल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो 2 स्टेप में मुकम्मल होते हैं, एक को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और एक को कहते हैं फर्मेंटेशन। यहाँ पर ये 3 स्टेप में मुकम्मल होते हैं,
ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। बस किताबों में पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन भी आती है, और फिर इसके बाद क्रेब्स साइकिल में मालेट तक, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम ए और बी और इस तरह। और यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है। अगर कहीं पर एमसीक्यूज आ गया कि वो कौन सा प्रोसेस एरोबिक और एनएरोबिक में कॉमन है, तो आपने क्या कहना है कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन में, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसको कहते हैं? फर्मेंटेशन हमारे साथ दो किस्म के हैं। पहली बात, फर्मेंटेशन केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। जब केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस होती है ना, कोई भी चीज जब केमिकली टूटता है, ठीक है ना, तो फिर हम उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की दो बुनियादी किस्में हैं, एक लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, यही लैक्टिक एसिड बाद में दही बन जाती है, ठीक है ना, जबकि दूसरा है। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये बैक्टीरिया में होता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस इन अल्कोहल, तो इसमें जो इथानोल बनता है, ठीक है ना, C2H5OH इथानोल बनता है, तो इससे शराब बनते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये फर्मेंटेशन दो किस्म के हैं, एक में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड इस तरह बनता है कि पाइरूवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या करता है, पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड के बाद फिर एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फास्फेट या डाई, ये एनएडी के साथ 2 NAD और 2 पाइरूविक एसिड मिलकर लैक्टिक एसिड बनाता है। ये लैक्टिक एसिड बाद में ये जो दूध में जो तेजाब बनता है, ये बाद में क्या बनता है, दही यूगार्ड। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ाकर, ठीक है ना, एसिटाइल यानी इसमें क्या है जी, इसमें क्या है कि पाइरूविक एसिड इसमें 2 ATP मॉलिक्यूलों को, दोनों में ATP मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP इब्तदाई तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो तो इंशाल्लाह हम फिर ग्लाइकोलाइसिस में इस पर डिस्कशन, उसको हम कहते हैं प्रिपेरेटरी फेज। एक है ऑक्सीडेटिव फेज, प्रिपेरेटरी फेज उस फेज को कहते हैं जिसमें ATP इस्तेमाल होते हैं, और ऑक्सीडेटिव फेज उस फेज को कहते हैं कि जिसमें ATP बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये दो स्टेप भी है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। बहरहाल एसिटाइल कोलेट, और यहाँ पर क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पाइरूविक एसिड एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, और फिर एसिटाल्डिहाइड क्या है, NAD के साथ मिलकर इथानोल बनाते हैं। बहरहाल इस किस्म का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में यानी फंजाई में हो गए, और ये इस रिएक्शन को करते करते खुद मर जाता है, और बहुत ज़्यादा मकदार में शराब बन जाती है। ये जो आप डबल रोटी को, ये डबल रोटी के ऊपर वाला हिस्सा जो ज़रा स्विल टाइप वो उभरा हुआ होता है, पुला हुआ होता है, ये वजह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, खारिज हो रहा है, इस वजह से ये पुला हुआ है। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उस वक्त तक जारी रहता है, बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस करते करते कि यीस्ट खुद मर जाता है, और बाद में शराब इथानोल मुख्तलिफ किस्म के बन जाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे साथ रिस्पायरेशन है, और इसके दोनों टाइप है, और आपको पता है कि रिस्पायरेशन में जो रिएक्टेंट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है, और रिस्पायरेशन का जो प्रोडक्ट है वो रिस्पायरेशन की क्या है, रिएक्टेंट है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट है, जबकि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इस प्रोसेस के क्या है, प्रोडक्ट है। आपको ये भी पता है कि रिस्पायरेशन का बेसिक एम क्या है, एनर्जी है, बाकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आई थिंक आपको कंसेप्ट आया ही होगा। तो इन वीडियो को अपलोड करने का मेरा मकसद ये है कि आपको बेसिक चीज़ों की मैं समझ दिलाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होगा। आखिरी बात जो मैं हर वक्त हर क्लास के आखिर में एक बात अपने स्टूडेंट के साथ कहना चाहता हूँ, आज मैं शेयर कहूँगा, वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा,
वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा, मसल पूल का है पूल किधर जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, लाइक करें, अगर कहीं पर प्रॉब्लम है कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, खुदा हाफिज़।